क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट रेशनल नंबर, उसके लेक्चर नंबर टू के अंदर अपन रेशनल नंबर की जो सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रॉपर्टी कौन कौन से ऑपरेशन के लिए, कौन कौन से नंबर के लिए वेरीफाई है। सबसे पहले अपन इस प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं होल नंबर के लिए। होल नंबर के अंदर भी सबसे पहला ऑपरेशन ले रहे हैं एडिशन। देखिए अपन एडिशन के अंदर चेक करें, वैसे होल नंबर होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। पहली बात तो आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझिए, चाहे आप होल नंबर के लिए चेक करो, चाहे नेचुरल नंबर के लिए चेक करो, चाहे रेशनल नंबर के लिए चेक करो। आप कोई भी दो नंबर ले लीजिए, उन दो नंबर को अगर आप ऑर्डर चेंज करके प्लस करते हैं, ए में बी प्लस करते हैं या बी में ए प्लस करते हैं और आपका रिजल्ट सेम आता है, तो आप कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उस ऑपरेशन के लिए, उस नंबर के लिए वेरीफाई है। सब्ट्रैक्शन के अंदर आप ए में से बी माइनस करो और बी में से ए माइनस करो, अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है ए माइनस बी और बी माइनस ए का रिजल्ट, तो आप कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए उस नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई है। मल्टीप्लिकेशन के अंदर आप ए को बी से मल्टीप्लाई कीजिए और बी को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर आपका रिजल्ट सेम आ रहा है तो यहां कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाई फॉर मल्टीप्लिकेशन फॉर होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर। फॉर डिवीजन, सेम डिवीजन के अंदर ए डिवाइड बाय बी और बी डिवाइड बाय ए का रिजल्ट अगर सेम आ रहा है तो डिवीजन के लिए भी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है। तो इसका मतलब इनमें से कोई सा भी ऑपरेशन यूज हो रहा हो उन टू नंबर के लिए, तो उस ऑपरेशन को आपको यूज में लेना है कि नंबर का ऑर्डर चेंज करके, अगर रिजल्ट सेम आ रहा है इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाई। तो देखिए सबसे पहले वन नंबर के लिए, वन नंबर एडिशन, मैंने टू नंबर लिए 3 एंड 4, 3 को 4 में प्लस किया 7, 4 में 3 प्लस किया 7, इसका मतलब 3 प्लस 4, 4 प्लस 3 सेम आ रहा है। और रिजल्ट सोचे दिमाग में, नंबर लेट करो, ऐड करके देखो, ऑर्डर चेंज करके, आप देखोगे सब जगह रिजल्ट दोनों का सेम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ वो नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है, कम्यूटेटिव है। किसके लिए? एडिशन के लिए। लेकिन अगर अपन सब्ट्रैक्शन पे आ जाए तो 4 में से 3 माइनस करो 1 आ रहा है, 3 में से 4 माइनस करो माइनस 1 आ रहा है, इसका मतलब 4 माइनस 3 और 3 माइनस 4 का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव। मल्टीप्लाई में जी मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैंने 3 को 4 से इंटू किया 12 आ रहा है, 4 को 3 से इंटू किया वो भी 12 आ रहा है। और एग्जांपल सेलेक्ट करो फोन नंबर के अंदर, आप हर जगह ये देखेंगे कि ऑर्डर चेंज करने में भी रिजल्ट सेम ही आ रहा है, मतलब ए को बी से इंटू करो चाहे बी को ए से इंटू करो रिजल्ट हमेशा सेम ही आ रहा है। इसका मतलब हुआ 4 मल्टीप्लिकेशन दिस प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। और फोर्थ पॉइंट आता है इसके अंदर डिवीजन, डिवीजन 4 डिवाइड बाय 2 क्या रिजल्ट है, 2।
लेकिन 2 डिवाइड बाय 4 करो तो 2 बाय 4 1 बाय 2 रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब 4 को 2 से डिवाइड करें या 2 को 4 से डिवाइड करें रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव नहीं है। यही प्रॉपर्टी है जो अपन नेचुरल नंबर के लिए चेक करें। सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। देखिए नेचुरल नंबर के लिए सबसे पहले एडिशन के अंदर देखिए कोई भी टू नेचुरल नंबर ले लीजिए। यहां से मैंने वन और टू टू नेचुरल नंबर लिए, उनको ऐड किया। पहले वन प्लस टू किया थ्री, फिर टू प्लस वन किया थ्री। तो मैंने क्या देखा, वन प्लस टू और टू प्लस वन का रिजल्ट सेम आ रहा है। और एग्जाम्पल सेलेक्ट करो, फोर और फाइव ले लो, फोर प्लस फाइव नाइन, फाइव प्लस फोर नाइन, रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब कोई भी टू नंबर ले उनको ऑर्डर चेंज करें तो रिजल्ट वैसा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब ए प्लस बी और बी प्लस ए का रिजल्ट सेम आ रहा है और सभी के लिए। इसका मतलब हो गया कि एडिशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई है। सब्ट्रैक्शन देखो, वन में से टू माइनस किया माइनस वन, टू में से वन माइनस किया वन, तो वन माइनस टू और टू माइनस वन का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब ए माइनस बी और बी माइनस ए का रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए प्रॉपर्टी नॉट कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लिकेशन में देखिए, वन को टू से मल्टीप्लाई किया टू, टू को वन से मल्टीप्लाई किया टू, मतलब 1 into 2 और 2 into 1 का रिजल्ट सेम आ रहा है। और भी एग्जांपल सेलेक्ट करें, जहां वेरीफाई होता है वहां एग्जांपल सेलेक्ट करो, और जहां वेरीफाई नहीं होता वहां पर्टिकुलर हमको एक ही एग्जांपल देखना है कि एक भी एग्जांपल के लिए वेरीफाई नहीं, मतलब वो प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। तो यहां देखिए किसी भी टू नंबर को इनटू करने पर ऑर्डर चेंज करने पर जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है। डिवीजन का जो 2 के अंदर 1 का डिवाइड किया 2, 1 के अंदर 2 का डिवाइड किया 1 बाई 2, इसका मतलब 2 और 1 का जो डिवाइड है और 1 और 2 का डिवाइड है वो इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया डिवीजन की प्रॉपर्टी नॉट कम्यूटेटिव। तो ये नेचुरल नंबर के लिए हो गया कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये टू ऑपरेशन ऐसे हैं जिनके लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। अपना जो मेन पॉइंट है रेशनल नंबर, अगर आपको रेशनल नंबर के लिए चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन ऑपरेशन के लिए वेरीफाई है या नहीं है, तो कोई भी टू रेशनल नंबर लेट कर लो, लेट कर लिए 1 बाई 2 एंड 1 बाई 3 टू रेशनल नंबर है, इनको ऐड करो। 1 बाई 2 के अंदर 1 बाई 3 ऐड किया एंड 1 बाई 3 में 1 बाई 2 ऐड करो। देखिए यहाँ एलसीएम कितना आ रहा है 6, तो ये हो गया 3 प्लस 2 5.6। यहाँ एलसीएम 6 आ रहा है तो 2 प्लस 3 5.6, दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 एंड 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2। इसका मतलब a प्लस b और b प्लस a का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो यस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाई फॉर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3 6 एलसीएम, 3 माइनस 2 1 बाई 6, 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2 6 एलसीएम, 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 6, रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। 1 बाई 2 और 1 बाई 3 को माइनस करने पे जो रिजल्ट आ रहा है और 1 बाई 3 और 1 बाई 2 को माइनस करने पे रिजल्ट आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है। इसका मतलब हो गया कि a माइनस b और b माइनस a का रिजल्ट सेम नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है, नॉट कम्यूटेटिव है। मल्टीप्लाई बाई, आप 1 बाई 2 को 1 बाई 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1 बाई 6 आ रहा है, 1 बाई 3 को 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करो 1 बाई 6 आ रहा है। मतलब 1 बाई 2 और 1 बाई 3 का मल्टीप्लाई
वन बाई थ्री और वन बाई टू के मल्टीप्लाई के बराबर आ रहा है। इसका मतलब हुआ ए और बी का मल्टीप्लाई बी और ए के मल्टीप्लाई के बराबर है। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड फॉर मल्टीप्लिकेशन। लास्ट डिवीजन पर ये 1 by 2 divided by 1 by 3 सिंपलीफाई करें 1 by 2 इनटू में चेंज करें 3 by 1 तो आंसर आया 3 by 2। नाउ 1 by 3 divided by 1 by 2 सिंपलीफाई करें इनटू में चेंज 2 by 1 रिजल्ट आया 2 by 3। दोनों रिजल्ट इक्वल नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल। तो 1 by 2 और 1 by 3 का रिजल्ट नॉट इक्वल है 1 by 3 और 1 by 2 के। इसका मतलब रेशनल नंबर के लिए डिवीजन के लिए ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं है। तो रेशनल नंबर में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई है, लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नॉट वेरीफाई है। अगर इसी प्रॉपर्टी को अपन इंटीजर नंबर के लिए भी चेक करें तो देखिए इंटीजर नंबर के अंदर एडिशन के अंदर देखिए सबसे पहले 2 इंटीजर नंबर लिए मैंने -3 एंड 4 इनको ऐड किया -3 +4 रिजल्ट 1 आ रहा है। 4 -3 -- रिजल्ट 1 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि -3 और 4 को ऐड करने पे या 4 और -3 को ऐड करने पे रिजल्ट सेम आ रहा है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरीफाई फॉर एडिशन फॉर इंटीजर नंबर। सेम इसी तरह सबट्रैक्शन के अंदर करें वही 2 इंटीजर नंबर 3 -3 और 4 को माइनस करें तो 7 आ रहा माइनस का, लेकिन 4 में से -3 करें तो -- प्लस 4 +3 7 आ रहा है। इसका मतलब -3 और 4 का सबट्रैक्शन 4 और -3 का सबट्रैक्शन बराबर नहीं है, इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव। तीसरा रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन देखिए -3 को 4 से इंटू किया माइनस का 12 एंड 4 को -3 से इंटू किया -12 रिजल्ट सेम आ रहा है -3 इंटू 4 4 इंटू -3 तो यस कम्यूटेटिव। और लास्ट आता है डिवीजन। डिवीजन के अंदर आप -3 के अंदर 4 का डिवाइड करते हैं तो -3 बाई 4 और 4 के अंदर -3 का डिवाइड करते हैं तो -4 बाई 3 और -3 बाई 4 और -4 बाई 3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब डिवीजन के लिए नॉट कम्यूटेटिव है। तो देखिए अभी अपन ने जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी इसको होल नंबर के लिए, फिर नेचुरल नंबर के लिए, रेशनल नंबर और लास्ट अपन ने पढ़ा उसको इंटीजर नंबर के लिए। फोर ऑपरेशन को चेक किया था, पहला ऑपरेशन था आपके एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन। वर्ल्ड नंबर के अपने चारों के अंदर एक चीज देखी थी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी हमेशा वेरीफाई थी। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सभी नंबर के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई थी तो यस, मल्टीप्लाई के लिए भी वेरीफाई थी तो यस, लेकिन सबट्रैक्शन और डिवीजन के लिए इन चारों नंबर के लिए प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं थी, नॉट कम्यूटेटिव। तो इस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आ गया आपको कि कोई भी टू नंबर को अगर ऑर्डर करके ऑपरेट करें और रिजल्ट अगर सेम आता है
तो उस ऑपरेशन के लिए वो प्रॉपर्टी वेरीफाई है।